देखिए, ऑपरेटर किसको कहते हैं? सिंबल्स को। और वो सिंबल्स क्या करते हैं? कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस पर? ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यदि हम ऑपरेटर की बात करें तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में आपका जो ऑपरेंड होता है वो सिंगल होता है। अब हम बात करें कि ऑपरेंड क्या होता है, तो ऑपरेंड मतलब वो वेरिएबल जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो जैसे है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये यूनरी क्यों है? क्योंकि हम जनरली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को सिंगल वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, यूनरी ऑपरेटर, इसको यदि एग्जाम्पल लिखूं तो मान लो यदि ए कोई आपका ऑपरेंड है, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो हम जनरली लिखते हैं ए प्लस प्लस। आप सबने फॉर लूप यदि चलाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा हम इंक्रीमेंट करते हैं वैल्यू को या फिर हम करते हैं वैल्यू का डिक्रीमेंट। तो ए प्लस प्लस करने का मतलब क्या होगा? कमेंट में यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस प्लस का मतलब होगा कि ए की जो भी वैल्यू है उसको किससे इंक्रीमेंट करना है? वन से, इंक्रीमेंट बाय वन। और माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट बाय वन। ठीक है, तो यदि हम माने कि ए की वैल्यू 10 थी तो ए प्लस प्लस करने से वो हो जाएगी 11, और ए माइनस माइनस करने से जो 10 थी अगर पहले और हमने ए माइनस माइनस किया तो वो हो जाएगी 9। ठीक, एक कम हो जाएगी। तो जो आपके पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये भी हम दो टाइप्स के देख सकते हैं। एक होता है आपका प्री, दूसरा होता है पोस्ट। ठीक, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम टाइप्स देख रहे हैं ऑपरेटर्स के। तो एक हो गया आपका यूनरी, दूसरा होगा हमारा बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर में जैसे यूनरी का मतलब है एक ऑपरेंड, तो बाइनरी के केस में कितने ऑपरेंड होंगे? टू ऑपरेंड्स। तो ऐसे सारे ऑपरेटर्स जिनके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम दो यदि हमें लग रहे हैं ऑपरेंड्स तो उनको कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, तो यदि बाइनरी ऑपरेटर की बात करें हम तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस, इनके लिए आपको मिनिमम दो ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, यूनरी के केस में हम एक नेगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू यदि शो करना होती तो हम माइनस करके और लिख देते हैं, जैसे माइनस ए, तो ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो बाइनरी के केस में मिनिमम टू ऑपरेंड्स। ठीक है, मिनिमम दो ऑपरेंड्स तो होने ही चाहिए। जैसे यदि एग्जांपल देख लें अपन, तो यदि प्लस करवाना है दो वैल्यूज का तो आपको कम से कम दो वैल्यू तो चाहिए, है ना? ऐसे ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, डिवाइड बी, मॉड्यूलस बी। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये टर्नरी ऑपरेटर नहीं, ये मैं कह रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो टर्नरी ऑपरेटर है ये कहता है कि इसके पास में जो है टोटल, इफ और एल्स की जो हमने कंडीशन देखी थी, है ना, तो वो इफ और एल्स की कंडीशन को ये हटाता है। इस टर्नरी ऑपरेटर को हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? इसका सिंटैक्स होता है क्वेश्चन मार्क, कॉलन और सेमी कॉलन। तो यदि मैं कहूँ तो ये कहता है कि कोई कंडीशन दीजिए आप, ठीक, उसके बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब यदि कंडीशन ट्रू होगी
तो यहाँ आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूँ कि मुझे जो दो वेरिएबल्स थे मेरे पास ए और बी, अब इन दो में से मुझे पता करना है कि बड़ी वैल्यू किसकी है। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम हो दोनों में से वो इस मैक्स नाम के वेरिएबल में आ जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि कंडीशन ही देना है यहाँ। ये वाले ऑपरेटर्स भी देखेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में। तो ये जो ऑपरेटर कंडीशन है, ये कंडीशन जब चेक होगी, यदि ये ट्रू हुई ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका ट्रू होने का मतलब क्या है, ए बड़ा है, तो ए किसमें असाइन होना चाहिए, मैक्स में। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होना चाहिए, बी असाइन होना चाहिए। तो क्या होता है, ये कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होती है तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इक्वल टू लगा है इसलिए ए की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी, लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो बी की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी। ठीक है, ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तीन टाइप्स के हैं ऑपरेटर्स, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। थैंक यू।